नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे गोभी के फरे। अगर गोभी के फरे आप इस तरह से बनाएंगे तो यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और खाने वाले पेट भर भर के खाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमने गोभी को काट लिया है और इसे हम पानी से अच्छे से धुल लिया है। अब हम सब्जी को बनाएंगे। गैस को ऑन कर देते हैं और इस पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब इसमें हम तेल डाल देंगे। कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। आप चाहे तो लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं, हमने लहसुन प्याज नहीं डाला है। और ये हम अदरक के टुकड़े काट लिए हैं, इसको डाल देते हैं। और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। और हमने हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा मिलाई है क्योंकि हम चटपटे फरे बनाएंगे। और ये हमने हींग डाल दी है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला मिला दिए हैं। अब हम गोभी को डाल देते हैं। गोभी को हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने गोभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है, हमें इसकी सूखी सब्जी बनानी है तो हम पानी इतना डालेंगे कि जितने में हमारी गोभी अच्छे से पक जाए। अब हम स्वाद अनुसार नमक मिला लेते हैं। नमक को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम सब्जी को देख लेते हैं। गोभी हमारी आधी पक चुकी है। अब इसमें हम टमाटर मिला देंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब सब्जी को हम देख लेते हैं। देखिए, हमारी सब्जी पक चुकी है और टमाटर भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम हरा धनिया मिला देते हैं। धनिया को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब हम सब्जी को प्लेट में निकाल लिए हैं और थोड़ी सब्जी हम कढ़ाई में ही छोड़ दिए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। कढ़ाई में हमने पानी डाल दिया है। अब ये जब पानी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम फरों को बना के डाल देंगे। इस तरह से हम लोई को बेल लिए हैं। इस तरह से हम लोई बना के रख लेंगे और जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तब हम सब्जी को भर के फरे बना के इस कढ़ाई में डालते जाएंगे और हमारे फरे बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए, पानी अच्छे से
गर्म हो गया है और ये खौलने लगा है। जब इस तरह से पानी उबलने लगे तभी आपको इसमें फरों को डालना है। अब हम फरों को इसमें डालेंगे। इसी तरह से हम सारे फरे बना लेंगे और एक एक करके पानी में हम डालते जाएंगे। ऐसे ही हम फरे बना बना के डालते जाएंगे। एक बार हम कलछुल से इसे चला देंगे। देखिए हमने सारे फरों को बना बना के कढ़ाई में डाल दिए हैं और ये अच्छे से पक रहे हैं। फरों को हम बीच में एक दो बार चला लेंगे। और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक दिए हैं जिससे हमारे फरे अच्छे से पक जाएं। फरों को हम एक दो बार इस तरह से चला लेंगे जिससे फरे चिपके ना कढ़ाई में। और इसे हम फिर से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब फिर से हम फरों को देख लेते हैं तो फरे हमारे अच्छे से पक चुके हैं। 2 मिनट तक हम ऐसे ही खुला छोड़ देंगे जिससे एक्स्ट्रा पानी है वो भी जल जाए। देखिए अब हम गैस को बंद कर दिए हैं और हमारे फरे खाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से गोभी के फरे बनाइए और खाइए और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। बहुत ही हमारे चटपटे फरे बनके तैयार हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।